दो तिहाई बहुमत से दो दो बार एनडीए को चुना गया, पूर्ण मत से, पूर्ण बहुमत से दो दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार दो बार किया। और प्रधानमंत्री माननीय, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते हैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। माननीय, आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। माननीय, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है, कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब 2-3-4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। माननीय, आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। माननीय, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनोरस संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। माननीय, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मिति 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। माननीय, अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते हैं।
कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं तीन अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा। दो अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे।